नमस्कार दर्शकों, मैं सुशील प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर सब कुछ चित्र अल्टीमेट। दर्शकों, अभी तक हमने जाना कि वह कौन सी औषधि है जिसके द्वारा हम गर्भपात को रोक सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे गर्भ स्तंभन का क्या महामंत्र होता है। दर्शकों, बहुत से लोग गर्भपात से पीड़ित हैं, बहुत से ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत से ऐसे मेरे कॉलर हैं जो गर्भपात की जो समस्या है उससे जूझते रहते हैं। डॉक्टर की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, जाहिर सी बात है उनकी कुंडली में दोष पाया जाता है, या तो वो अपनी कुंडली दिखाकर ग्रहों के उपाय करते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति किसी महामंत्र का जाप कर सकते हैं जिसके द्वारा उनके गर्भ का स्तंभन हो जाए। दर्शकों, गर्भ स्तंभन के बहुत से मंत्र होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं तांत्रिक मंत्र की। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वह कौन सा महामंत्र है जिसके द्वारा गर्भ स्तंभन होता है। जो स्त्री गर्भपात को लेकर परेशान है और उन्हें संतान का सुख नहीं मिल रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए? इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। दर्शकों, जिन लोगों को ग्रहों पे, नक्षत्रों पे या फिर ज्योतिष पर विश्वास नहीं होता है, उनके लिए यह वीडियो है, उनके लिए यह महामंत्र है, वो इसका जाप कर सकती हैं या फिर कर सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले जानते हैं कि मंत्र क्या है। ये मंत्र बहुत ही चमत्कारिक है, बहुत ही शक्तिशाली है। यह मंत्र भगवान रुद्र को समर्पित है और उनको ध्यान में रखते हुए इस महामंत्र का जाप आपको करना है। दर्शकों, सबसे पहले जानते हैं महामंत्र कौन सा है। दर्शकों, मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते महारुद्राय गर्भ स्तंभन करु करु स्वाहा। आपको सबसे पहले यह महामंत्र सिद्ध करना होगा, जागृत करना होगा। सिद्ध करने के लिए आपको इसकी हजार माला जपनी होगी, लेकिन आपको किसी एक खास अवसर पर इसकी शुरुआत करनी होगी। जैसे आप दीपावली को कर सकते हैं, ग्रहण काल में सबसे जल्दी यह महामंत्र सिद्ध होगा, या फिर आपको इस प्रकार का संयोग नहीं मिलता है तो आप किसी भी रविवार से शुरू कर हजार माला जप लें। माला आप एक रोजाना जप सकते हैं। यदि आप एक रोजाना माला जपते हैं तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा मंत्र को जागृत करने में, सिद्ध करने में। तो आप तीन माला, पाँच माला, सात माला, या फिर नौ, या फिर ग्यारह, या फिर तेरह माला इस प्रकार जपें। माला जपने का सही तरीका क्या होता है, आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप रविवार से या फिर दीपावली की रात्रि से या ग्रहण काल में शुरुआत कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी इस मंत्र को सिद्ध करें और उसके बाद 108 मंत्र की, इसी महामंत्र की आहुति का हवन करें। उसके बाद शिवालय में जाके शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें पंचामृत से, और आपका यह महामंत्र जागृत हो जाएगा। उसके बाद आप प्रसाद भी बांट दें और आपका यह महामंत्र जागृत हो जाएगा। उसके बाद आप इसे प्रयोग में ला सकते हैं, वो भी जगत की भलाई के लिए, क्योंकि यह गर्भ स्तंभन के लिए महामंत्र है। मैं भी इसका प्रयोग करता हूँ। यह महामंत्र उनके लिए है जो ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते या फिर किसी के पास नहीं जा सकते, और इसका वह प्रयोग घर बैठे ही कर सकते हैं। सबसे पहले सिद्ध करें, उसके बाद प्रयोग करें। प्रयोग कैसे करना है सबसे पहले देख लेते हैं। दर्शकों, जो गर्भवती स्त्री हो, जिनको दूसरे महीने में या तीसरे महीने में या चौथे महीने में गर्भपात हो जाता है, उनको
इस महामंत्र से 21 बार अभिमंत्रित करके जल अर्थात पानी पिलाना होता है। एक बार फिर से सुनते हैं। सबसे पहले आपको यह महामंत्र किसी खास अवसर पर सिद्ध करना पड़ता है, हजार माला जपकर सिद्ध होता है, दीपावली या फिर ग्रहण काल या फिर किसी रविवार से शुरुआत करें। उसके बाद हवन करें, 108 इसी महामंत्र का जाप करके हवन करें, आहुति दें। उसके बाद शिवालय में जाकर आप रुद्राभिषेक करें, उसके बाद प्रसाद वितरण करें और दान आदि करें। उसके बाद यह मंत्र जागृत हो जाएगा, इसमें चेतना आ जाएगी, उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जगत के कल्याण के लिए। प्रयोग कैसे करना है? जिस स्त्री का गर्भ बार बार गिरता है उसको आपको इस महामंत्र से 21 बार अभिमंत्रित करके जल पिला देना है, उसके बाद उनका गर्भ नहीं गिरेगा। दर्शकों, बहुत ही चमत्कारिक है इस महामंत्र का। मैं अपने पास रखकर कुछ नहीं कर सकता था, मैंने आपकी भलाई के लिए यह महामंत्र आपको दिया है। आप इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। इसकी शर्त यही है, आपको पहले यह सिद्ध करना पड़ेगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन आपको संतान का सुख अवश्य ही मिलेगा। तो दर्शकों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अंत में विदा लेते हैं। ओम दुर्गाय नमः।